अब बात आगरा में मौत का मॉक ड्रिल करने वाले पारस अस्पताल की, जिसे डीएम साहब प्रभु नारायण सिंह ने क्लीन चिट दे दिया और अब खुद सवालों के घेरे में फंस चुके हैं। डीएम ने एक तरफ पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांड वाले दिन सरकारी रजिस्टर में 22 मौतें भी दर्ज की हैं। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि 22 खून माफ, यही है इंसाफ? मौत की मॉक ड्रिल वाले अस्पताल को डीएम ने दे दी थी झटपट क्लीन चिट। जब खोल गया पारस अस्पताल का कच्चा चिट्ठा, तो डीएम ने साधरी मामले पर चुप्पी। आईसीयू के लिए काफी उनके पास बेड्स थी और काफी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे, अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ की कोई सत्ता नहीं है। दरअसल ये प्रतिक्रिया उस वीडियो के वायरल होने की बात सामने आई थी, जिसमें आगरा के पारस अस्पताल का मारे डॉक्टर आरएनजी जैन बड़ी ही बेशर्मी से मौत के मॉक ड्रिल का जिक्र कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह सामने आए और उन्होंने पहली ही फुर्सत में श्री पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी थी। 26 तारीख को जनपद में इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है, अतः जो संख्या है या जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे, अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ की कोई सत्ता नहीं है। श्री पारस अस्पताल का सामने आया पा पेंडुलम प्रयोग करने वाला अस्पताल हुआ सी। वीडियो वायरल होने के बाद एबीपी गंगा पर एक के बाद एक पीड़ित सामने आए और इस पारस अस्पताल की सारी काली करतूत को खोल कर रख दिया, जिसने डीएम प्रभु नारायण सिंह के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें सिर्फ 26 और 27 अप्रैल को 4 मौत होने का हवाला दिया जा रहा था और फिर श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया गया। श्री पारस अस्पताल की खोल गई पोल, डीएम ने मामले पर साधरी चुप्पी। श्री पारस अस्पताल के सील होने के बाद से ही लगातार डीएम प्रभु नारायण सिंह ने चुप्पी साधरी है और इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर पीड़ितों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। जिस हिसाब से ये लोगों ने, अधिकारियों ने जो ये क्लीन चिट दी है इस पारस हॉस्पिटल को, तो ये साफ बात इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई झालमेल जरूर उसके अंदर हुआ है, चाहे वो ऊपर लेवल से हुआ हो चाहे वो हॉस्पिटल लेवल से हुआ हो। ऐसी जानकारी आई है कि इस व्यक्ति के राजनीतिक संबंध बहुत गहरे और मजबूत हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन दबाव में आकर जिला प्रशासन ने जो है इनको क्लीन चिट दे दी है। डीएम प्रभु नारायण सिंह पर श्री पारस अस्पताल को क्लीन चिट देने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि खबर चलने के 1 घंटे के अंदर ही कैसे क्लीन चिट दे दी गई, बिना जांच ऑक्सीजन की दिक्कत ना होने का क्यों बयान दिया गया। डीएम के मुताबिक 26 और 27 अप्रैल को कुल 7 मौतें हुई, जबकि रिपोर्ट में 16 मौतों का जिक्र है, तो क्या पीड़ितों के आरोपों की अनदेखी हुई? 26 और 27 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? श्री पारस अस्पताल को एडीए ने जब नोटिस दिया था तो तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मौत की मॉक ड्रिल चलाने वाले डॉक्टर अरिंजय जैन के 22 खून को जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने माफ कर दिया है। बीती रात जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पूरी तरह से डॉक्टर अरिंजय जैन को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर अरिंजय जैन को बचाने का क्यों प्रयास किया जा रहा है। जो जिलाधिकारी खबर ब्रेक होने के कुछ मिनटों में पूरी तरह से अरिंजय जैन को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं की रिपोर्ट में 16 मौतों को स्वीकार किया गया है। फिलहाल श्री पारस अस्पताल के कर्मकांड का हिसाब हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उन अधिकारियों का क्या जो इस पूरे मामले पर श्री पारस अस्पताल पर प्यार लुटाते रहे, वीडियो वायरल होने के बाद बिना जांच ही 1 घंटे में क्लीन चिट दे दी। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।